मॉर्निंग आगे के लेक्चर में राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा था, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ राज्यसभा, आपको यह क्लास के बारे में पता है, ठीक है। तो क्लास में लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, अभी ये जो बंदे होते हैं दे आर फेमस, ओके। लेकिन इलेक्शन किस तरह से, मतलब उनको कैंपेन करना है, किस तरह से बोलना है, मे बी पॉसिबल दे विल फील शाय, ओके। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड इनके पास एक मौका होता है थ्रू राज्यसभा, अगर उनको मतलब मेंबर ऑफ द हाउस बनना है तो वो बन सकते हैं। ये एक इसका एडवांटेजेस है। सेकेंड थिंग इज लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट वाइज जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो उसमें से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे ला सकते हैं, ओके। फिर ये परमानेंट हाउस के बारे में हमने आगे भी पढ़ा था कि परमानेंट हाउस इसलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग द लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, ये परमानेंट होता है, ओके। और दूसरा 1/3 मेंबर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको मतलब याद रखनी है, ओके। और इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस देखेंगे तो स्टेट लिस्ट मतलब उनके जो, अभी देखो हमारे पास यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट होता है, गवर्नमेंट को किस तरह से कौन से टॉपिक के ऊपर उनको काम करना होता है उनका फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट लिस्ट में उनको लगे कि भाई कोई ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमको हमारे स्टेट लिस्ट में इंक्लूड करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट का और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप पेज नंबर 16 के ऊपर जाके पॉइंट वाइज आप देख सकते हो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे रेलवे होता है, टेलीकॉम होता है, हेल्थ होता है, तो ये सब यूनियन में आता है, ठीक है। इस तरह से अलग लिस्ट दिया गया है, यू कैन गो एंड सी ऑन द पेज नंबर 16, ओके। नाउ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये वो IPS और ये जो मतलब जो पोस्ट होती है जिनकी एग्जाम ली जाती है उनमें ऐसे एम्प्लॉय बनाना होता है, यहाँ मतलब जॉब क्रिएट करना होता है, तो राज्यसभा के मेंबर ये ऑल इंडिया न्यू सर्विस ओपन करके बना के वो भी वो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल गो टू प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब उनको क्या क्या, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर है उनको क्या क्या एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए गए हैं। तो पहला वाला पॉइंट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने अपनी राइट्स में भी देखा है, ओके, कि आप ये जो मेंबर है वो किसी भी दूसरे मेंबर के बारे में बोल सकते हैं, वो न्यूज में भी बोल सकते हैं, बाहर भी बोल सकते हैं, ड्यूरिंग द सेशन भी बोल सकते हैं, उनके ऊपर कोई चार्जेस लगाए जाते नहीं है। ये मेंबर ऑफ हाउस के मतलब कोई भी दूसरे लीडर के बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको फ्रीडम दिया गया है, ठीक है। आपको ये पॉइंट इस तरह से लेना है कि दे कैन स्पीक वॉट एवर दे वांट, ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन वो बात कर सकते हैं, किसी भी लीडर के बारे में बात कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, मीडिया में भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं, इस तरह से। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मतलब मूवमेंट का अगर आप देखा है तो मूवमेंट मतलब हमको यहाँ पे कैसे लेना है, जैसे सेशन के टाइम पे वो चलना होता है वैसा मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, ये मूवमेंट वैसा है जैसे कि कोई एक मेंबर है वो ड्यू टू क्रिमिनल ऑफेंस ही इज इन द जेल, ओके, वो जेल के अंदर है और यहाँ पे सेशन में अगर उनको आना होता है तो कोई उसको डिटेंशन नहीं कर सकता, ही कैन कम, ओके। लेकिन अगर ज्यादा कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है और मतलब सीरियस वाला प्रॉब्लम है तो चेयरमैन की परमिशन लेनी पड़ेगी, चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि उनको मूवमेंट करने देना है कि नहीं करने देना, अदरवाइज ही इज फ्री टू मूव, इस तरह से हमको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गो पे एंड अलाउंसेस, तो ये 2010 में थोड़ा चेंजेस किया गया था, आप इसको जरा मतलब पैसे की बात है कि 10,000 के 14,000 कर दिए थे, डेली वेजेस 500 थे उसके 1,000 कर दिए थे, ये थोड़ा मतलब रिलेटेड टू तो उनका जो मनी मैटर होता है, उनका जो सैलरी होता है उसके बारे में है, तो ये आप जरा पढ़ लेना, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्लियामेंट प्रोसेस। पार्लियामेंट प्रोसेस मतलब पूरा सिस्टम किस तरह से चलता है, तो पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ओथ की बात आती है, तो ओथ ये प्राइम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कोई भी मेंबर होता है वो पहले ओथ लेगा, ठीक है। तो ओथ लेता है तो ओथ का मैं मतलब थोड़ा आपको पढ़ के बता देता हूं कि ओथ में वो क्या बोलते हैं, ठीक है। आई, उसके बाद नेम ऑफ द मेंबर आएगा, हैविंग बीन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट
or the house of the people do swear in the name of God, solemnly affirm that I will be true and owe allegiance to the Constitution of India as by the law established, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. इस टाइप का पूरा एक उनका ओथ लिया जाता है, ठीक है, और ओथ लेने के बाद वो अपना जो प्रोसीडिंग होता है सेशन का वो सब शुरू करते थे। कोरम ये हमारे लिए कोई नया पॉइंट नहीं है, आगे भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी हाउस में प्रोसीडिंग शुरू करना होता है तो कोरम कितना है हमारा 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट, देन ओनली द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस कैन बी डन। ओके, देन कास्टिंग वोट हमने आगे देखा था कि जब टाई हो जाता है ड्यूरिंग दैट टाइम कास्टिंग वोट होता है, स्पीकर होता है वो कास्टिंग वोट कर सकता है एंड ही कैन हेल्प थ्रू दिस। क्वेश्चन आवर पूरे सेशन का कौन से टॉपिक के ऊपर कौन सा बंदा कितनी देर बात करेगा ये सब कुछ डिसाइडेड होता है और उस तरह से ही प्रोसीडिंग पूरे डे का चलता है, ठीक है। रिजोल्यूशन आपको इस तरह से समझना है कि भाई वन टाइप ऑफ मोशन होता है कि आप 15 डेज नोटिस कोई मेंबर देता है स्पीकर को कि सर ये पब्लिक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हमें डिस्कस करना होगा, तो 15 दिन पहले वो स्पीकर सर को या स्पीकर मैडम को बता देता है और उस तरह से वो रिजोल्यूशन पास करता है और आगे बढ़ता है। ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। 6 वाला पॉइंट उसके सब पॉइंट्स भी है ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन मोशन क्या होता है तो के व्हेनेवर अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट इज साउट टू बी डिस्कस्ड इन द हाउस इज कॉल्ड एज मोशन। जब पब्लिक इंटरेस्ट का कोई अर्जेंट बात आ जाता है और उसको हाउस में डिस्कस करना होता है। देखो आप सोचोगे कि सर वो ही बातें तो वो डिस्कस करते हैं, लेकिन हाउस में सब कुछ प्लान होता है किस तरह से कौन सा चलेगा वो सब कुछ डिसाइडेड होता है। अगर बीच में कोई इंपॉर्टेंट बात आ जाती है तो उस टाइम पे थ्रू मोशन दे कैन डू देयर वर्क। ओके, मोशन ऑफ थैंक्स ये पहला पॉइंट हमारा मोशन के अंदर सब पॉइंट में। तो मोशन ऑफ थैंक्स हमारे जो प्रेसिडेंट सर होते हैं वो हर नई लोकसभा जब चुन के आती है लोकसभा मेंबर जब चुन के आते हैं तो उनको वोट ऑफ थैंक्स के लिए मोशन ऑफ थैंक्स के लिए वो आते हैं। देन हर नए साल में जब वो पहला सेशन होता है ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो अवर प्रेसिडेंट सर विल कम एंड ही विल बी इन द सेशन ए पार्ट ऑफ सेशन। सब्सटेंटिव मोशन ये दूसरा मोशन है। रिजोल्यूशन ऑफ हाउस एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ए पर्टिकुलर मैटर ये हमने आगे भी बात किया है कि भाई कोई पर्टिकुलर मैटर के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है उसको अगर हमें मतलब वो मैटर को डिस्कस करना है तो थ्रू सब्सटेंटिव मोशन वी कैन गो। ओके, नाउ मोशन ऑफ रिमूवल रिमूवल का दूसरा आप इम्पीचमेंट भी बोल सकते हो। रिमूवल का मतलब कोई भी मेंबर को निकालना होता है। ओके, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट के जज वो भी आ जाता है। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर उनको निकालना है तो वो भी आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, स्पीकर आ जाएंगे, आप उनको निकाल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2/3 मेजोरिटी होता है इन सब का निकालने का प्रोसेस। लोकसभा राज्यसभा दोनों में से 2/3 मेजोरिटी से अगर वोट किया जाए उनके अगेंस्ट में तो उनको रिमूव किया जा सकता है। रिमूव का दूसरा कोई बेसिक पॉइंट ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वो गए हैं। ओके, या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई वर्क कर दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब ऑपोजिट में हो रहा है तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये मोशन ऑफ रिमूवल है मतलब इम्पीचमेंट है वो प्रोसेस को किया जाता है। एडजोर्नमेंट मोशन, देखो एडजोर्नमेंट का मैंने आगे भी बताया था थोड़ा और बता देता हूं। एडजोर्नमेंट मतलब टू स्टॉप रोक देना है। ओके, तो एडजोर्नमेंट मोशन में क्या होता है कि आपने आपको पता है कि डेली जो सेशन का वर्क होता है वो डिसाइडेड होता है लेकिन बीच में अगर कोई इमरजेंसी आ जाता है ड्यूरिंग डेट इमरजेंसी वो डेली वर्क होता है ना उसको स्टॉप करके ये मोशन को पास करके नया जो पॉइंट डिस्कस किया जाता है उसको हम एडजोर्नमेंट मोशन के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। नाउ नो कॉन्फिडेंट मोशन मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है तो कॉन्फिडेंट किस में नहीं है तो क्या सरकार, देखो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंट मोशन में गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है उसके बारे में बात की जाती है, उनकी प्रोसेस क्या होती है, उनकी पार्टीज किस तरह से वर्क कर रही है उसके बारे में अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है और नो कॉन्फिडेंट मोशन पास होता है फिर उसके बाद वोटिंग होता है, वोटिंग में अगर इनके खिलाफ जाता है
तो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनको रिजाइन कर देना पड़ता है, और वहां पे